निसंदेह अगर हमारे साथ एनडीए में कोई नेता शामिल है, कोई दल शामिल है और आपके उसके आप उसके सुप्रीमो के साथ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। गठबंधन दल में शामिल हमारे तमाम वरिष्ठ नेता सम्मानित और किसी को इस तरह की टिप्पणी करने का हक नहीं है कि वो गठबंधन दल में शामिल दलों के नेताओं के साथ अभद्र टिप्पणी या अभद्र व्यवहार करे। बिहार में एनडीए सरकार चला रही है और एनडीए में खींचतान बढ़ गई। मुकेश सहनी जहां कह रहे हैं कि जितनी हैसियत बीजेपी की है उतनी हमारी भी है, जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरीके से हम और वीआईपी चारों विधायक को दम पर बिहार में सरकार चल रही है, और मुकेश सहनी का भी यही कहना है कि हमारे भी उतना हैसियत है जितना बीजेपी की है। लेकिन अब बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से आते हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जिसको जहां जाना है जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अब जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, और हमने भी कह दिया है मुकेश सहनी के समर्थन में आकर कि जिस तरीके से बयानबाजियों का सिलसिला जारी है और मुकेश सहनी पर जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, तो इसकी हम निंदा करते हैं और मांग भी करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन होता तो इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी जो चल रही है वो नहीं चलती। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी भी एक जो मुद्दा है, जिस तरीके से उमेश कुशवाहा ने बयान दिया है कि जो इस तरह के बयान देते हैं वो जनता विरोधी है, तो उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्र में सरकार चला रहे हैं, तो क्यों नहीं वो भी सत्ता में है तो केंद्र को ये कहे कि बिहार में सहित पूरे देश में लागू कर देनी चाहिए शराबबंदी अगर इस तरीके की बात है तो। लेकिन बिहार में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो। साथ ही साथ दानिश रिजवान ने कह दिया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन जल्द से जल्द होनी चाहिए, ये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। सुनवाते हैं आपको दानिश रिजवान का वो बयान कि अविलंब इस तरह के बयान देने वाले नेताओं पर अंकुश लगाए। गठबंधन दल में शामिल हमारे तमाम वरिष्ठ नेता सम्मानित और किसी को इस तरह की टिप्पणी करने का हक नहीं है कि वो गठबंधन दल में शामिल दलों के नेताओं के साथ अभद्र टिप्पणी या अभद्र व्यवहार करे, ये निंदनीय है। और जो भी नेता इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, हमें अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के शिष्टाचार से कि अपने नेताओं पर अविलंब रोक लगाए। मुकेश सहनी के साथ गलत हो रहा है, निसंदेह अगर हमारे साथ एनडीए में कोई नेता शामिल है, कोई दल शामिल है और आपके उसके आप उसके सुप्रीमो के साथ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। आप लोग इस शराबबंदी कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं, निसंदेह एनडीए के हर उस नेता के हम समर्थन में है जिस नेता के साथ कोई बदसलूकी करे, उनके साथ बद बयानबाजी करे। मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि अगर उनको जाना है तो जाए, हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि अब ये वक्त आ गया है जब एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेना चाहिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन के अभाव में ही इस तरह की बयानबाजी हो रही है, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई होती तो निसंदेह हम एक दूसरे पर रोक लगा सकते थे, लेकिन अभी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जिसे जो मर्जी आ रहा है वो उस तरीके का बयान दे रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होने के कारण महागठबंधन से हम अलग हुई थी। देखिए, हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि आज जो मुकेश सहनी जी के साथ जिस तरीके की बयानबाजी उनको लेकर हो रही है वो निंदनीय है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। मुकेश सहनी जी एनडीए की एक सम्मानित नेता है और उनके ऊपर में इस तरह की टिप्पणी कहीं ना कहीं से एनडीए को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों को भी दिखाया जा रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमें आईना दिखा रहा है, आसमान में अगर कोई थूकने की कोशिश करता है तो उससे नहीं मालूम है कि थूक गिर के उनके मुंह पर आएगी। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि मांझी जी की अब उम्र हो गई है इसलिए जुबान फिसल जाती है कई मुद्दों पर। कई मुद्दों पर तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जुबान फिसल जाती है, इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी जी को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जो नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं उन्हें कम से कम नरेंद्र मोदी जी के 100 स्पीच को सुनना चाहिए। 100 स्पीच में 90 भाषणों में कहीं ना कहीं से गलतियां होती हैं, तो क्या हम उनको कहेंगे कि मोदी जी राजनीति छोड़ दीजिए। जो नेता इस तरह का अनर्गल बयान देते हैं, हमने पूर्व में भी कहा और फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध है कि वैसे नेता पर कार्रवाई। आप लोगों ने कहा शराबबंदी को जो है खत्म होनी चाहिए, करनी चाहिए। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष में एनडीए की सरकार है, उमेश कुशवाहा जी के जो नेता है वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, केंद्र सरकार पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दे, किसने रोका है भाई? अगर जनता के साथ ये कानून है तो पूरे देश में शराबबंदी हो जानी चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शराबबंदी की आड़ में जहरीली शराब बेचा जाए और जहरीली शराब पीकर के बिहार की आवाम मरे, इसलिए हमने समीक्षा की बात। दानिश जी, एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है जिस तरीके से एनडीए में पूरा प्रकरण चला, अब नीतीश कुमार संदेह, क्योंकि ये विवाद तब बढ़ा है जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो तमाम विवाद का सलटा लिया जाएगा।